नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, निफ्टी में देखिए, जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 11,200 के आसपास, तो मैंने ये बोला था कि 11,100 के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 10,800 का होगा। तो आज निफ्टी ने हमारा 10,800 का टारगेट यहां पे अचीव कर लिया है। तो अब देखिए, अब निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट कहां है। देखिए, 10,800 के आसपास 805 पे हमने क्लोजिंग दी है। अगर आपको निफ्टी को यहां से बाउंस बैक करना है तो ये सबसे अच्छी जगह है और निफ्टी बाउंस बैक करके वापस 11,000 के आसपास तक जा सकता है। अगर यहां पे कल इसने क्लोजिंग 10,800 के ऊपर नहीं दी और क्लोजिंग इसने 10,790 के नीचे क्लोजिंग देना कल इसने स्टार्ट किया तो फिर निफ्टी का जो अगला टारगेट है वो है 10,580 का। तो अगला निफ्टी पे टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 10,580 का। ये हमारा पोजिशनल टारगेट होगा। ऑलरेडी यहां से हमारे टारगेट अचीव हो चुके, तो अगला पोजिशनल टारगेट यहां पे होगा अगर ये 10,790 के नीचे ट्रेड करने लगता है और उसी के नीचे क्लोज करता है तब। अब इंट्राडे के लिए निफ्टी में क्या करना है, इंट्राडे के लिए निफ्टी में 10,790 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो इसको ट्रेड कीजिए 10,750 और 10,710 के टारगेट के लिए। अब मान लीजिए कल निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो गया 40-50 पॉइंट, तब हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज बनने दीजिए 10-15 मिनट की। उस रेंज के अपर एंड पे हम बाइंग करेंगे और लोअर एंड पे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस उसी रेंज का अपोजिट साइड लगा देंगे। अगर हम बाइंग में जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा लो साइड हो जाएगा, अगर हम सेल में जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारा ऊपर का साइड, जो रेंज का ऊपरी साइड है वो हमारा स्टॉप लॉस वहां पे बनेगा। अब बाइंग ये हो गए सेल की कंडीशन। अगर हम गैप डाउन ओपन, तो मान लीजिए कल हम गैप अप ओपन होते हैं 40 पॉइंट गैप अप ओपन होके हम 850 के पास अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तब हम क्या करेंगे। तो देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद में भी मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दूर तक हम जाएंगे। शायद गैप अगर मान लीजिए हम 840-850 के पास ओपन होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 880-890 के पास तक जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनेगा बाइंग साइड में। अगर बाइंग साइड में कोई, देखिए मान लीजिए मार्केट अगर गिर गया 170-180 पॉइंट निफ्टी गिर गया और वहां पे जाके कोई बुलिश कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे अगर बनती हुई आपको दिखाई दे, तब उसी बुलिश कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप जरूर निफ्टी को बाइंग कर सकते हैं। डेली चार्ट को देख करके फिलहाल बाइंग रिकमेंड मैं यहां पे अभी निफ्टी में नहीं करूंगा। अब निफ्टी देखिए, जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20-30 उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और जो हमारा 100 का मूविंग एवरेज है 100 और 200 का, तो अब निफ्टी यहां पे आ चुका है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 10,790-780 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग पे निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी यहां पे 200 का हमारा सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी में यहां पे आ रहा है। तो इस पे नजर बना के कल आपको रखनी है कि कल की क्लोजिंग कहां पे होती है। देखिए, इसी जगह के पास से हमने बाउंस बैक लिया था, फिर हम इसी जगह पे आ गए। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हम नीचे 10,600 जो 100 का हमारा मूविंग एवरेज है, हमारा टारगेट वहां का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक अदानी पोर्ट। बहुत दिनों से आप लोग को बोल रहा था कि 340 के नीचे ये स्टॉक्स वीक होगा और हमारा टारगेट जो होगा वो 310 के आसपास का हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारे टारगेट के नज़दीक ये पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिए। एक बार इस लेवल के आसपास अगर रुकता है तो प्रॉफिट बुक अपना कर लीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करते रहिएगा। एशियन पेंट यहाँ पर कुछ खास नहीं है तो वेट करते हैं। बजाज ऑटो में भी कुछ खास मेरे लिए अभी नहीं है तो यहाँ वेट करते हैं। बजाज फिंसर ये ध्यान रखना, मैं इसका टारगेट आप लोग को थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट दे रहा हूँ। टारगेट इसका मेरा 4700 है बजाज फिंसर का। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 4748 के आसपास में ये स्टॉक्स मिलते हुए दिखाई देगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मुझे लगता है कुछ ही दिनों में ये यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। ऑलरेडी हमने सेल के लिए तो आपको 6100 के आसपास ही बोला था और टारगेट हमने 58 का बता दिया था। यहाँ पे 58 के बाद से शायद हमने भी निफ्टी की वीडियो ही नहीं डाली, नहीं तो ये 58 के बाद में भी आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाता। मेरा टारगेट यहाँ पे 47 का है। मैं यहाँ पे शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है ये 47-46 की रेंज में आपको 46 से 48 की रेंज में मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए बजाज फाइनेंस और जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इसी लेवल के आसपास ये होल्ड कर रहा था पिछली बार। तो शायद अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। उसी तरह से बजाज फाइनेंस भी, बजाज फाइनेंस में भी देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको बोला था आपको 34 के बाद हमारा टारगेट 31 था, तो 31 का हमारा टारगेट हो चुका। अब इसने 3000 का
3100 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 27। तो 27-26 के आसपास इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी हम बाइंग साइड के ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले रुकेगा तब नहीं, अगर रुकता है तो फिर शायद ये 23-24 के आसपास तो ये बेस्ट बाइंग होगी। तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर पे। भारतीय एयरटेल यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं, ऑलरेडी 540 से आप लोग को लिए सेल भी बोला था, यहाँ पे 399 के नीचे सेल के लिए आप लोग को वीडियो बना के मैंने पहले ही डाल दिया था। ब्रिटानिया यहाँ पे वेट कीजिए, कुछ नहीं है। सिप्ला पे भी मेरा व्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने जरूर बोला था कि 120-125 के आसपास अगर ये होल्ड करता है तब हम इसको एक बाइंग साइड में देख सकते हैं, लेकिन इसने होल्ड नहीं किया और ब्रेक किया, तो अब इसका टारगेट बहुत दूर आएगा। ये टारगेट देखिए अपने मल्टी ईयर ये लो के नीचे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो सेल के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। ये तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चलते हैं, ये ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो इस पर मेरे ख्याल से जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके रखिए, स्टॉप लॉस जरूर आप 120 का यहाँ पे लगा लीजिएगा। डॉक्टर साहब में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, काफ़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है। आइसर मोटर में मेरे ख्याल से ब्रेक डाउन की तैयारी ये करेगा, अगर 2000 के नीचे ट्रेड करता है तो ये स्टॉक भी आपको 1835-1800 के आसपास मिल सकता है। गेल इंडिया इसका तो पूरा तेल ही निकल चुका है, छोड़ दीजिए। ग्रासिम बहुत अच्छी मूवमेंट ग्रासिम भी दे चुका था, तो यहाँ पर भी सेल की कंडीशन अभी नहीं है। 642 के बाद ही ये स्टॉक्स वीक होगा, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे। एचसीएल टेक यहाँ पर थोड़े से प्रॉफिट लेते रहिए जो स्टॉक काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब गिरावट उन्हीं में आएगी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखिए HDFC ऑलरेडी 1720 के बाद मैंने आप लोग को टारगेट इसका 1500 का दिया हुआ है, सॉरी 1500 का नहीं, हाँ 1500 का ही मैंने टारगेट दिया हुआ है इसका। तो ऑलरेडी ये भी धीरे धीरे अपने उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है तो देखिए एक बार जब प्रॉफिट में आया तो स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते जाइए, जो मिले वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन बड़ा मिलेगा, किसी दिन छोटा मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करना आप सीखिए। तो अब इसका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए कम से कम 1660 रुपये का, क्लोजिंग अगर 1660 रुपये के ऊपर करे तो जो भी यहाँ पे 20-25 रुपये हमें मिलेंगे वो लेके यहाँ से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रेड मिलेगा फिर उसको देखेंगे। HDFC लाइफ यहां पर मेरे ख्याल से ब्रेक डाउन अगर होगा तो 560 के नीचे ही होगा। दोस्तों अगर आप भी स्टॉक्स मार्केट में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। बस कंडीशन एक है कि आपको हमारे लिंक से जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको उसी में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सिर्फ एक्टिव ट्रेडर को ही दूंगा, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर ही सीख पाएगा। अगर आप एक दिन ट्रेडिंग करते हो, दो दिन नहीं करते हो, फिर एक दिन करते हो, पाँच दिन होल्ड करते हो, तो आप सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में 50,000-1,00,000 रुपये होने जरूरी है। आप 2,000-3,000 डाल के भी एक एक दो दो स्टॉक, तीन तीन स्टॉक लेके भी चीज़ों को सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए सीखने के लिए, छोटे अमाउंट से ही हमेशा सीखा जाता है। जब छोटे अमाउंट से आप सीख जाओ, कुछ चीज़ें बनने लगे, तब आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हो। नहीं, पहली बात सीखने के लिए आप बड़े अमाउंट डालते हो तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, इस चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना सीखे मार्केट आपको कुछ देने वाला नहीं है। अगला स्टॉक से हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का सपोर्ट जो है वो 2850 के आसपास है। हिंडाल्को मैंने पहले बताया था गिरावट यहाँ पे तेज होगी, अगर ये 170 को ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट इस पे 155 का था, ऑलरेडी इसने 159 का आज लो लगाया हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसने भी ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो इसमें लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्लो मूवर है थोड़ा सा। इंफ्राटेल छोड़ दीजिए, इन्फी में भी एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा बहुत, ये ध्यान रखिएगा। IOC छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं है। ITC देखिए, आज ITC मैंने 190 के पास में बोला था कि इसमें 170 के टारगेट आ सकते हैं, तो ये 166 चला गया। मुझे लगता है ये अभी 155 के आसपास तक जा सकता है। JSW स्टील यहाँ पे गिरावट तेज हो सकती है, इस पे नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये जो चैनल है ना 20 पॉइंट का, और मुझे 20 पॉइंट इसके नीचे आना चाहिए ब्रेक डाउन के बाद में JSW स्टील को। L&T 900-880 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, तो अब इसका टारगेट जो है वो 820 के आसपास का निकल के आएगा। M&M इसने भी ब्रेक डाउन कर दिया, देखिए 5-6 महीने 1-1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसने ये ब्रेक डाउन किया है, तो मुझे लगता है ये जो टारगेट है 50-60 पॉइंट वो आपको नीचे आते हुए दिखेंगे, और शायद ये 520-530 के पास तक आ सकता है। मारुति इसने भी ब्रेक डाउन दे दिया है, ऑलरेडी 6800 पे मैंने आप लोग को बताया होगा इसका ब्रेक डाउन है, टारगेट इसके 6100 के आएंगे। नेस्ले यहाँ पे मैं ही बड़ा स्टॉक है तो छोड़ दीजिए। NTPC इसने भी देखिए ब्रेक डाउन दे दिया है, तो किसी ने अगर सेल किया है तो स्टॉप लॉस जरूर 87 के ऊपर का लगा लीजिए। ONGC कुछ नहीं करना है। पावर ग्रिड में भी अब ये सपोर्ट लेवल इसका जो है 153 के आसपास में है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं करेंगे। रिलायंस इस लेवल के नीचे मैंने बोला था कि थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट पोजीशन को आप कैरी करके मत ले जाना, इंट्राडे में शॉर्ट करना, इंट्राडे में ही कवर करके चले जाना है इसकी पोजीशन को। सन फार्मा इसके लिए वीक तब होगा जब ये 470 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। टाटा मोटर अब ये शायद फिर से आपको 100 के आसपास आता हुआ दिखेगा, तो 100 के पास अगर कुछ दिखेगा तो मैं जरूर इसके लिए
लिए बाइंग रिकमेंड करूंगा, लेकिन अभी वेट करेंगे टाटा मोटर में। टाटा स्टील में भी 420 के नीचे थे ही मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, और टारगेट मैंने 420 के बाद टारगेट 370 का ही बताया था, तो उसके बाद देखिए कंटिन्यू नीचे चल रहा है। तो स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते जाइए, अब TCS प्रॉफिट बुक कर लीजिए, टेक महिंद्रा, IT और फार्मा में एक बार प्रॉफिट बुक करते रहिए आप लोग। टाइटन ये देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए 1080, अगर 1080 के नीचे क्लोज करें तो इसको भी शॉर्ट करके 1040 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। अल्ट्राटेक ये इंपॉर्टेंट लेवल है, शायद अभी तक आपने जो देखे हैं उनमें ब्रेकडाउन हो चुके हैं, ये तैयारी कर रहा है, तो 37 के नीचे ये स्टॉक्स वीक हो जाएगा और टारगेट इसके निकल के आएंगे 3300 के। UPL यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेदांता में भी कुछ नहीं करना है, विप्रो वो तो प्रॉफिट एक बार ले लीजिए। झील ऑलरेडी मैंने बोला था कि 200 के नीचे अगर जाएगा तो ये 180 बहुत फास्ट आएगा, और देखिए दो दिन में ही 180 का टारगेट इसने अचीव किया है। अब अगर ये 180 के नीचे क्लोज करे तो 165 भी ये बहुत फास्ट आएगा, तो नज़र बना के रखिएगा आप झील पे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।